दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, YouTube ने अब हर वीडियो में मुझे थैंक्स का ऑप्शन दिया है। इसके जरिए अगर आप चाहें तो मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से मुझे कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूज चैनल्स की बेबसी की, ऐसी बेबसी की जो उनको ये करने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों अर्णब गोस्वामी का नाम जब बॉयकॉट हुए एंकर्स की लिस्ट में आया था तो बड़े तैश में आकर अर्णब गोस्वामी ने कहा था ना कि ऐसे स्टूपिड नेता मुझे नहीं चाहिए और फलाना और ढिमकाना। लेकिन अर्णब गोस्वामी के चैनल की इस डिबेट को देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि जो चैनल्स को और जो एंकर्स को बॉयकॉट किया है ना उनकी हालत खराब हो गई है, उनकी डिबेट्स फ्लॉप होने की कगार पर आ गए हैं। देखिए दोस्तों अर्णब गोस्वामी के चैनल ने अपने दर्शकों के साथ कैसा खेल किया है, ये डिबेट देखिए। उन्हीं के चैनल की एक डिबेट है जहां पर सत्ता पक्ष के तो प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष ने तो बॉयकॉट किया नहीं है, लेकिन जहां पर विपक्ष के प्रवक्ता दिखने चाहिए वहां क्या लिखा है, बैक्स कांग्रेस यानी कि ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, बैक्स टीएमसी यानी कि ये टीएमसी का सपोर्ट कर रहे हैं, और एक और शब्द बिठा दिया गया, लिखा गया है बैक्स आम आदमी पार्टी। अब क्योंकि सारे विपक्षी दलों ने कह दिया है कि इन इन चैनल्स में नहीं भेजे जाएंगे प्रवक्ता, तो अर्णब गोस्वामी जैसे चैनलों की हालत खराब हो गई है, उनकी डिबेट्स फ्लॉप होने की कगार पर आ गई हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए जब डिबेट में विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो ये आपस में क्या गुटरगू करेंगे, आपस में तो ये सब एक ही है ना, इसीलिए विपक्ष की आवाज कृत्रिम तरीके से क्या यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। देखिए कितनी चालबाजी से अनाम लोगों को आम आदमी पार्टी कांग्रेस और टीएमसी के सपोर्टर के तौर पर बैठा दिया गया। अब आप बताइए ऐसे कोई डिबेट होती है, एक तरफ किसी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता बैठा है और उसकी बात का जवाब देने के लिए उस पार्टी का अनाम समर्थक जिसका उस पार्टी से औपचारिक तौर पर क्या लेना है क्या देना है ये तो ये चैनल वाले ही जाने। दोस्तों इस खेल के जरिए ना केवल अर्णब गोस्वामी अपने दर्शकों को एक नंबर का बेवकूफ समझते हैं कि वो समझेंगे ही नहीं कि वो क्या चालबाजी कर रहे हैं, दूसरा अपनी डिबेट में रस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डिबेट में वो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अमूमन उनकी डिबेट का सबसे बड़ी यूएसपी होती है। लेकिन आप कुछ भी कर लें, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का या टीएमसी का आधिकारिक प्रवक्ता जिस तरह से जवाब देता, जिस तरह से करंट पैदा करता डिबेट में, क्या उसका कोई सपोर्टर कर सकता है? क्या आपको लगता है कि न्यूज चैनल्स की ये चालबाजी लंबी चलेगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।